हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं पर सिक्स विषय हिंदी हिंदी में आप लोग का शनिवार, इसलिए मैं आप लोग को व्याकरण पढ़ा रही हूँ। व्याकरण में एकार्थक शब्द माने एक शब्द जिसका बोलने की अलग अलग तरह की शब्द होते हैं, लेकिन सबका अर्थ जो होता है एक ही होता है। अनेकार्थक शब्द माने शब्द जो है बोलने का अलग अलग शब्द होता है, लेकिन सबका मतलब अर्थ जो है एक ही समान, उसी को कहते हैं एकार्थक शब्द। इसके लिख रही हूँ। यह छठ में एक बार पढ़ने ध्यान देती है। अर्थ अर्थ का होता है लिए, धन, मतलब, कारण इत्यादि। अर्थ को लिए भी बोल सकते हैं, धन भी बोल सकते हैं, मतलब भी बोल सकते हैं और कारण भी। इसके अलावा इत्यादि अर्थ भी इसका शब्द है। अक्षर 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 का होगा शिव, धन, मोक्ष, जल, तपस्या इत्यादि। अक्षर का अक्षर का और भी तरह से बोलते हैं, अक्षर भी बोल सकते हैं, शिव भी बोल सकते हैं, धन भी, मोक्ष भी, जल भी, तपस्या भी इत्यादि। अंबर अंबर माने आकाश होता है, अंबर को आकाश भी कह सकते हैं, कपड़ा भी कह सकते हैं इत्यादि, दोनों भी कह सकते हैं। अमृत 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 को दूध, जल, अन्न इत्यादि।
अमृत को हम दूध को भी अमृत कर सकते हैं, जल को भी अमृत कर सकते हैं और अन्न को भी अमृत कर सकते हैं। पांचवा है आम, आम का फल, आम के आम जो है आम का फल भी कर सकते हैं, सर्वसाधारण भी कर सकते हैं, आम तो सर्वसाधारण है, मामूली भी कर सकते हैं इत्यादि। अब उसके बाद है छः नंबर कनक, कनक को यतुरा भी कहते हैं, सोना भी कहते हैं इत्यादि, कनक भी बोल सकते हैं, कनक माने में सोना होता है, यतुरा माने भी कनक होता है और सोना माने भी कनक होता है, तो कनक को यतुरा भी कोई कहता है, तो उसका मतलब जहाँ जिस शब्द का वाक का जिस शब्द का जिस वाक में प्रयोग किया जाए उसी तरह उसका निकाला जाता है, कनक का यतुरा सोना इत्यादि। मैंने कहने का अर्थ यह है कि शब्द का जिस शब्द का जहाँ जैसे प्रयोग करेंगे उसका अर्थ एक ही होगा, लेकिन प्रयोग करने का अलग अलग शब्द के अनुसार प्रयोग किया जाता है, अलग अलग तरह के शब्द है लेकिन सबका अर्थ एक ही होता है, यही इसका मतलब। इसे आप व्याकरण को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, तुम मन लगा कर पढ़िए, व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी आप लोग को प्रश्न भेजा उसे बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए और मन लगा कर पढ़िए। आज का प्रतिदिन ओके।